हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूं ये सॉफ्ट ग्लिटरी आईज़ विद रेड लिप्स का ट्यूटोरियल। अगर आपको ज़्यादा बोल्ड आईज़ पसंद नहीं है, ग्लिटरी आईज़ पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस सॉफ्ट ग्लिटरी आई को ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, आई हैव प्रेप्ड माय स्किन। मैंने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट भी किया है, इसी वजह से थोड़ी सी रेड हो रही है, बट डोंट वरी, ये एक दो मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है मैंने स्किन को, क्योंकि ड्राई स्किन है, विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है। और अब मैं अपने ओपन पोर एरिया को स्मूद आउट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का फ़ोटो फिनिश प्राइमर। इस प्राइमर को सेट होने के लिए मैं वेट करूँगी, और तब तक मैं अपना आई मेकअप कम्प्लीट करूँगी। आई शेडो बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक पेंट पॉट इन द शेड सॉफ्ट टोकर। और आई शेडो पैलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मॉर्फी का 39A पैलेट। सो सबसे पहले मैं पैलेट में से ये सेकेंड लाइटेस्ट शेड ले रही हूँ और इसे अपने ट्रांजिशन एरिया पर लगाऊंगी। और आई एम यूजिंग द ब्रश फ्रॉम मॉर्फी M441। नेक्स्ट मैं ये रस्ट कलर ले रही हूँ और इसे अपनी क्रीज में ब्लेंड करूँगी। और ब्रश मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का M433। इन दोनों कलर्स के एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइंस नहीं रहें। और इसी कलर को मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर्स में भी ब्लेंड करूँगी। और अब अपने आउटर कॉर्नर्स को स्मोक आउट करने के लिए मैं इन दोनों कलर्स को यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का 506। ये एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है और काफ़ी प्रिसाइजली ब्लेंड करता है आई शेडोज़ को। इस कलर को मैं आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड करूँगी और धीरे धीरे मैं इसे अपनी क्रीज में भी लेकर जाऊँगी। क्रीज में मैं इसे बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं लेकर जा रही हूँ। अब मैंने एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इससे मैं अपने सारे आई शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरी आई लुक जो है बिल्कुल ब्लेंडेड और स्मूथ दिखे। नेक्स्ट मैं ये मॉर्फी का 35F पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये लाइट गोल्ड कलर लूँगी और इसे अपने लिड एरिया पर लगाऊँगी। अब मैं इस कलर के एजेस को भी ब्लेंड कर रही हूँ और यहाँ मैंने यूज़ किया है मॉर्फी का ही ब्रश M330। आईज़ के आउटर कॉर्नर्स को मैं एक बार फिर से इंटेंसिफाई कर रही हूँ क्योंकि आई फील कि ब्लेंडिंग में वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। ग्लिटर्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर इन द शेड 04। काफ़ी अच्छा शेड है ये, इसे मैं अपने आईज़ के सेंटर पोर्शन में लिड एरिया पर लगाऊंगी। ये ग्लिटर्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। इनमें कोई भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, इसमें आई थिंक 6 शेड्स आते हैं। अब इससे पहले कि ये ड्राई आउट हो जाए, उससे पहले मैं इसे अपने कॉर्नर्स के कलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल आईलाइनर और मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि लाइनर के साथ आता है। क्योंकि मुझे इस लाइनर को स्मज करना है, इसलिए मैं इसे प्रिसाइजली नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ विंग लाइनर भी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पेंसिल ब्रश यूज़ किया है, ये मॉर्फी का ब्रश है M431, और इससे मैं इस आईलाइनर को स्मज करूंगी। नेक्स्ट मैं सेम ब्रश पर थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और फिर से इस लाइनर को स्मज करूंगी। इसे मैं इस तरह से स्मज करूंगी ताकि एक फेक विंग क्रिएट हो जाए। क्योंकि मैंने स्टिकी टेप यूज़ किया है, इसलिए मुझे एक शार्प स्मज लाइनर मिलेगा। और अब मैं क्विकली अपना फेस मेकअप भी करूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एन वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज। विंटर्स के लिए ये शेड मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है, आई गेस मुझे इसमें थोड़ा लाइट शेड ऐड करना चाहिए था। ये फाउंडेशन मैट फिनिश का है और काफ़ी अच्छी कवरेज देता है।
इसे मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्यूटी स्पॉन्ज का यूज़ भी कर सकते हैं। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट, और इसे मैं अपने सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी फॉर हाइलाइटिंग पर्पस, क्योंकि फाउंडेशन ने काफ़ी हद तक मुझे कवरेज दी है, इसलिए मुझे हैवी कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज आई थिंक। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे शेड्स एंड ऑल दैट मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए भी मैं सेम फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश पर पहले से ही थोड़ा सा फाउंडेशन है और उससे जब हम कॉन्टूर को ब्लेंड करते हैं तो वो बिल्कुल सीमलेस दिखता है और हार्श नहीं लगता है स्किन पर। अपने नोज़ पर कॉन्टूर को ब्लेंड करने के लिए मैं फिंगर्स यूज़ करती हूँ ताकि प्रिसाइजली ब्लेंड हो जाए। अपने जॉ लाइन पर भी मैं ब्लेंड करूँगी। अब मैं डैम ब्यूटी स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पर डैप करूँगी ताकि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो सोख हो जाए। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट, और इसे मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ही सेट करूँगी। इससे मुझे अच्छा कवरेज भी मिलेगा और मेरी फाउंडेशन जो है केकी भी नहीं होगी। अपने कॉन्टूर को थोड़ा और इंटेंसिफाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ब्रॉन्ज ड्यू। अब इस बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अपने ब्राउज करूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का कार ब्राउ इन द शेड आई थिंक 06। आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैं सबसे पहले लोअर लैश लाइन पर प्लम का कोल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ और अब मैं इसे स्मोक आउट करूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से, और मैंने थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो भी लिया है। ऊपर के विंग से मैं इसे कनेक्ट भी कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये डिफाइनर ब्रश पर रस्ट कलर ले रही हूँ और इसे भी लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट करूंगी ताकि मेरी अपर लिड और लोअर लैश लाइन जो है इक्वली ब्लेंडेड दिखे। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ब्लश इन द शेड स्वीट स्कारलेट। सो गाइज, आपने देखा मेरा फेवरेट हाइलाइटर बैका शैम्पेन पॉप टूट गया, बट स्टिल मैं उसे अप्लाई करूँगी और बाद में उसे फिक्स कर लूँगी। यू कैन सी द ब्लाइंडिंग ग्लो दैट गिव्स मी, इट इज़ सो गुड। इसे मैं अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी, ब्रिज ऑफ माई नोज, टिप ऑफ द लिप्स, एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग नाइका लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड शेड मैं शेड का नाम भूल गई हूँ गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कर लेना। अपने लैशेस को कर्ल करूँगी, मस्कारा लगाऊंगी। रेड लिपस्टिक को पॉप करने के लिए आप हमेशा उसके एजेस को कंसीलर से कंसील करें, जैसा कि मैं यहाँ अभी कर रही हूँ।
इससे क्या होगा कि मेरा जो पाउट है लिप्स का वो बिल्कुल स्टैंड आउट होगा और बिल्कुल क्लीन एजेस दिखेंगे लिपस्टिक के। एंड हेयर आई एम अप्लाइंग लैशेस। आई एम यूजिंग पैक लैशेस इन द वेरिएंट M72 और मैंने यहाँ पर पैक का ही लैश ग्लू यूज़ किया है। इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं 35F पैलेट में से ये फर्स्ट शेड ले रही हूँ और एक स्मॉल डिटेल्ड ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी और ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी। सो हेयर कम्स द फाइनल लुक गाइस। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस लुक के साथ स्मश लाइनर के बजाय विंग लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइस मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।